सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी और मैं हूँ डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं आज बात कर रहा हूँ एक बड़ी जरूरी जानकारी है। जानकारी जरूरी ये है कि क्या आप बहुत ज़्यादा गरारे करते हैं जब आपका गला बैठा हुआ रहता है। और गर्म पानी से मैंने देखा है लोगों को सलाह दी जाती है कि गर्म पानी से गरारे कर लो आपका गला ठीक हो जाएगा और गला जो बैठा हुआ है वो खुल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका गला बैठा रहे तो गर्म पानी से गरारे करने से क्या होगा? चलिए समझते हैं। जब आपका गला बैठा रहे या आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम हो रहा है और साथ में थ्रोट इन्फेक्शन है, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, ये तीनों कंडीशन में फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस मतलब गले में पीछे की तरफ इन्फेक्शन हो या टॉन्सिलाइटिस हो, टॉन्सिल में इन्फेक्शन या लैरिंजाइटिस हो, इन तीनों ही कंडीशन में जब भी इन्फेक्शन होता है तो सलाह दी जाती है कि आप गार्गल कर लीजिए, गरारे कर लीजिए और वो भी गुनगुने पानी से, थोड़ा गर्म गुनगुना टाइप का पानी और नमक डाल के इस तरह की सलाह दी जाती है। क्या ये फायदे की चीज़ है या नुकसान की चीज़ है? आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा भूल कर भी ना करें कि आपको जब भी थ्रोट इन्फेक्शन हो तो आप गर्म पानी से गरारे कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी थ्रोट इन्फेक्शन हो या टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन हो या गला बंद रहता है आप गार्गल कीजिए, लेकिन ठंडा यानी नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से गार्गल कीजिए। आपको गुनगुने पानी से या गर्म पानी से गरारे नहीं करने हैं। उसका कारण भी बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपके गले में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो रही है जिसमें टेम्परेचर उस एरिया का बढ़ा हुआ है और ब्लड फ्लो उस एरिया में बढ़ा हुआ है, कंजेशन की कंडीशन है और कंजेशन की कंडीशन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन ऑलरेडी चल रही है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पेन है। थोड़ी देर के लिए जब आप गरारे करेंगे तब आपको थोड़ी देर के लिए बेहतर तो लग सकता है, लेकिन उसके बाद जब आप रात में सोएंगे तब आपको फीवर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं और आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है या लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है और आप थ्रोट इन्फेक्शन के बाद हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में आ जाएं या आपके फेफड़े के इन्फेक्शन आ जाएं या आपको सर्दी खांसी, जो सर्दी थी वो खांसी में तब्दील होकर लंबे समय के लिए चले जाए। बात छोटी सी है लेकिन बड़े काम की है। जब भी आपको गार्गल करना है तो करें ये। होम्योपैथी में एक मदर टिंचर आता है कैलेंडुला, आप उस कैलेंडुला मदर टिंचर को लीजिए, थोड़ा सा उसमें ऐड कीजिए आर्निका, 10 ड्रॉप्स कैलेंडुला, 10 ड्रॉप्स आर्निका और इसे लेके थोड़ा सा आप चाहें तो मिंट का आता है मेंथा पाइपरेटा, मेंथा के पाइपरेटा का भी मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स डाल दीजिए, ये तीनों ड्रॉप्स ले लीजिए या कैलेंडुला अकेले आप इसको यूज़ कर सकते हैं अलोन, और 10 से 15 बूंद आप उसमें डाल दीजिए पानी में, एक कप पानी में मुँह में रख के गरारे कर लीजिए, लेकिन पानी जो होना चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर रहे, जो रूम टेम्परेचर है, आप इसे गुनगुने पानी में ना यूज़ करें। कोई भी दवाई, कोई भी एंटीसेप्टिक या कोई भी ऐसी ड्रग जो गार्गल के लिए यूज़ होती है, जैसे ज़्यादातर लोग हेक्सिडिन या क्लोरहेक्सिडिन यूज़ करते हैं एलोपैथी में, तो वो भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन गुनगुना पानी बिल्कुल यूज़ ना करें। गुनगुना पानी आपके लिए घातक हो सकता है, आपको आपका थ्रोट इन्फेक्शन लंबे समय तक के लिए जा सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम का आएगा, छोटे वीडियो वाली सीरीज में ये वीडियो था। जैसा आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को और शेयर कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। आवश्यक जानकारियां, जरूरी जानकारियां और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जानकारियों के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।